वायरल हैशटैग ट्रेंडिंग नाउ द टाइम ऑफ गैलेक्स ओटिक गेमिंग। तो सर मैं हूं गैलेक्स एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हाउ टू जॉइन डीमन एसएमपी। तो सर यस मैं आज उस एसएमपी की बात कर रहा हूं जो एसएमपी के मैं काफी दिनों से मतलब वीडियो डालते आ रहा हूं एंड आप लोग उसको काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे यार बंदे ना उस वीडियो को देखो उनके डीमन एसएमपी को देख देख के बोलते हैं यार मुझे भी एसएमपी में यार मुझे भी आना है मैं एप्लीकेशन वीडियो बनाऊं क्या। तो सर यस अभी डीमन एसएमपी का जो सीजन 1 है वो खत्म हो चुका है एंड डीमन एसएमपी का जो सीजन 2 नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास में नेक्स्ट मंथ का टाइम है, आप लोग जब तक एप्लीकेशन वीडियो बना सकते हो एंड एप्लीकेशन वीडियो में क्या क्या बनाना है एंड कैसे बनाते हैं एंड क्या क्या होना जरूरी है डीमन एसएमपी को ज्वाइन करने के लिए और सब मैं आपको आज की इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी अगर स्किल नहीं दिखाई ना मेरे बात मैंने मतलब इसमें जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपने वो सब नहीं दिखाया तो आपकी पूरी मेहनत पानी में आ सकती है क्योंकि यार वो सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ और वो है अपना मतलब कि डेली कंटेंट क्रिएटिंग। तो सर अभी जो डेली कंटेंट क्रिएटिंग का मतलब है कि यार आपको आपके चैनल पर मतलब डीमन एसएमपी का रोज मतलब रेगुलर या फिर एक दिन छोड़ के आपको डीमन एसएमपी का कोई ना कोई सा वीडियो बनाना पड़ेगा। एंड सबसे पहली बात तो कि एसएमपी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट क्रिएटर के रखी है एंड बाकी तो पिछले सीजन के कुछ बंदे हैं अपने साथ में तो अभी तक वो भी इसमें तो हाँ जो कंटेंट क्रिएटिंग है उसमें आपको एक दिन छोड़ के आप वीडियो को बना सकते हो और अपलोड कर सकते हो डीमन एसएमपी के और फिर अच्छे से अच्छा मतलब उसके अंदर आपको एडिटिंग और सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्किल और अभी जो दूसरा है वो आपको करना पड़ेगा कि आपको दिखानी पड़ेगी आपकी पीवीपी स्किल। मतलब यार अभी पीवीपी स्किल की बात करें तो आपको दिखानी पड़ेगी कि आप कैसे लड़ लेते हैं, मतलब कि पीवीपी स्किल ऐसी कुछ हल्की बुल्की नहीं एकदम ऐसी तगड़ी दिखानी पड़ेगी, एकदम हर तरीके की फाइट दिखाओ, एक वाली फाइट दिखाओ, लाओ वाली फाइट दिखाओ और क्रिस्टल पीवीपी सारी पीवीपी दिखाओ। फिर मैं देखूंगा भाई जो मेरे को ये सारी चीज़ जिस बंदे की अच्छी लगेगी ना मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। एंड जो थर्ड नंबर जो चीज़ आती है वो है एमएलजी और क्लच में ना क्या करना है आपको सिंपली आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग कैसे कैसे क्लच आते हैं। क्लच मतलब जैसे आप जैसे ऊपर से नीचे गिर रहे हो आप कुछ भी मतलब अपने आपको बचाने के लिए जैसे बोर्ड लगा के क्लच कर लोगे ये वो तो आप वो सारी चीज़ मुझे दिखा सकते हो एक दो और बाकी एमएलजी भी भाई आप एक दो एमएलजी दिखा सकते हो जैसे नेदर वाली एमएलजी, वाटर वाली एमएलजी, सारी एमएलजी आप दिखा सकते हो। और उसके बाद अभी यार ये तीन चीज़ हो चुकी है, अभी तीन चीज़ों के बाद जो चौथा है वो है आपकी एडिटिंग स्किल। भाई आपको एडिटिंग एकदम ऐसी करनी पड़ेगी ना आपके वीडियो में अगर आप लोग कंटेंट बना रहे हो डीमन एसएमपी में तो आपको एकदम ऐसी एडिटिंग करनी पड़ेगी भाई देख सामने वाला देख के खुश हो जाए। एंड अगर आप ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर पाओ तो भाई आप लोग जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ हल्की फुल्की से आप ऐसे हल्की फुल्की इसी भी एडिटिंग कर सकते हो, बस आपका वीडियो जो है वो अच्छा होना चाहिए कि लोगों को भाई देखने का मन करे। एंड गाइस अभी ये चार चीज़ों ये भी जो फिफ्थ नंबर पे यार वो है अपना कि आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप डीमन एसएमपी वीडियो बना रहे हो तो आपको पहले तो कुछ स्क्रिप्ट सोचनी पड़ेगी कि आज आपको डीमन एसएमपी में आकर क्या करना, मतलब कुछ ऐसी तगड़ी स्क्रिप्ट जिसको भाई देख के लोग एकदम पागल हो जाए बोले भाई क्या ही बना दिया तुमने तो ये 10 लोग ऐसा बोले। तो आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए जैसे कि यार मैं भी ऐसे कई सारी अलग अलग स्क्रिप्ट लेके आते रहता हूँ जैसे अभी एंड अभी जो मुजान आया था भाई अपनी डीमन एसएमपी आप लोगों ने देखा था, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा आई होप। तो ऐसी कुछ आपके पास स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए। तो गाइस सर ये थी वो पांच चीज़ जो कि आपके पास होना जरूरी है डीमन एसएमपी को ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर आप इन पांचों में से सिर्फ चार चीज़ भी कर देते हो मतलब कि अगर आप यहाँ पे आपकी एमएलजी और क्लच नहीं भी दिखाते हो ना तो भी चलेगा, बट हाँ आपको मेन जो चाहिए वो है पीवीपी और आपको डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा ये दूसरा, तीसरा कि आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए और चौथा कि आपको आपके पास भी अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो सर ये वो चार मेन चीज़ें, बाकी हाँ फिफ्थ है कि आपके मतलब फिफ्थ यार इसलिए रखा है कि जो बंदे अगर वैसे फिफ्थ दिखा देंगे तो मेरे को भाई थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ यार बंदे सच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने फिफ्थ की चेज कर दी बना तो बाकी चार चीज़ मैंने। तो आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन बनाओगे एंड हाँ गाइस ये सारी जो भी आप लोग एप्लीकेशन बना रहे हो ना तो डिस्कॉर्ड पे सारे के सारे बंदे अपना चैनल का लिंक मुझे दे देना, एप्लीकेशन का लिंक मुझे दे देना डीमन्स के, भाई मैं डिस्कॉर्ड दे दूंगा न्यू टेक वीके वाले की आप लोगों को लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है वाईटी अपलोड्स, आप उसके ऊपर वहाँ पर अपनी लिंक डाल सकते हो। तो चलो सर आज की वाली इस वीडियो के लिए तो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सारे के सारे फटाफट से एप्लीकेशन बनाने पर लग जाओ, सीजन 2 नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है।